पिंडदान करने के लिए आते हैं, उनको पितरों का मोक्ष मिल जाता है। लाभ निश्चित है, लेकिन बात वही है यदि हमारा भाव। नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट किया है कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे, भूत बनेंगे। श्राद्ध निकालना, अस्थि उठाना, पिंड भरवाना, ये भूत पूजा, ये नहीं करनी चाहिए। महाराज जी, यहाँ एक बात आपसे और जानना चाहेंगे कि तर्पण एवं श्राद्ध निकालने से कोई लाभ है या नहीं गीता के अनुसार? श्राद्ध लाभ निश्चित है, लेकिन बात वही है यदि हमारा भाव है तो। जो श्राद्ध और तर्पण हैं वो केवल पितरों तक के लिए है, पूर्वजों का स्मरण उस माध्यम से होता है, और जो पूर्वज परंपरा है हमारी उसके प्रति एक कृतज्ञता रहती है, कृतज्ञता का भाव बनता है। और एक भाव ये भी है, बहुत से लोग कहते हैं कि पहुंचता है कि पितरों तक, निश्चित पहुंचता है यदि हमारा भाव है। और पद्म पुराण, ब्रह्मवर्त पुराण, ऐसे पुराणों में ऐसे साक्ष्य मिलते हैं कि जब भगवान राम ने कुछ तर्पण किया, श्राद्ध किया अपने पिताजी के निमित्त, तो सब पूर्वज खड़े हुए दिखाई दिए और सीता जी सचा गए। तो हम यदि भाव रखते हैं तो निश्चित रूप से वो पहुंचता है, ऐसा मान के चलना चाहिए, ऐसा भाव रखना चाहिए। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरों विनती करूं, दरों चरण पर शीश, गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। दंडवतम गोविंद गुरु, बंधु अविजन सोए, पहले भये प्रणाम तिन, नमो जो आ गए होए। अपने आत्माओं, अब बात रही सरहद निकालने की। ये क्या लोक वेद सुनाते हैं, दुनिया को भ्रमित करने के लिए कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी वनवास में थे और उन्होंने अपने पिता राजा दशरथ का सरहद किया था, और वहाँ पर कहते हैं उनके पूर्वज सभी खड़े दिखाई दिए। इन अज्ञानी ऋषि मह ऋषि नकलियों ने उनके पूर्वजों को भूत बनवा दिया या गलत साधना करवा कर। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में स्पष्ट किया है कि जो भूत पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होंगे, भूत बनेंगे। श्राद्ध निकालना, अस्थि उठाना, पिंड भरवाना, ये भूत पूजा, ये नहीं करनी चाहिए। अभी प्रमाण दिखाते हैं आपको। गीता जी अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में कहा कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे, भूत बनेंगे, देवताओं की पूजा करते हुए देवताओं के पास जाएंगे। और मेरी यानी गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी पूजा करने वाला मुझे प्राप्त होगा। तो इन्होंने ये भूत पूजवा के सारे भूत बनवा दिए। तो श्री रामचंद्र जी के सारे पूर्वज खड़े दिखाई देंगे, सारे भूत बन रहे हुए प्रेत बन गए। और बनवाने वाले ये दंत कथा सुनाने वाले अज्ञानी ऋषि मह ऋषि मंडलेश्वर को आवे, बैठा बैठा दिया पूरे मानव समाज का, को बर्बाद कर दिया इन्होंने। अब आपको दिखाते हैं मार्कंडे पुराण में दिखाते हैं। एक रुचि नाम के ऋषि थे, उन्होंने शादी नहीं, विवाह नहीं करवाया, वेदों को समझा, अच्छी तरह ज्ञान ग्रहण किया। ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी वो पुरुष होता है जिसने ये जान लिया कि मनुष्य जीवन बार बार प्राप्त नहीं होता, और परमात्मा प्राप्ति के लिए मनुष्य जीवन मिला है। और यदि मनुष्य जीवन पाकर
एक परमात्मा की भक्ति ने की, अन्य अनुपासना की तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इसी आधार से उस रुचि ऋषि ने वेदों का ज्ञान गहनता से जाना और समझा, और उसी आधार से उसने विवाह भी नहीं करवाया, वेदों अनुसार साधना करता था। जब वो 40 वर्ष का हो गया, उसकी 4 पीढ़ी के भूत दिखाई दे गए, पिताजी, परपिता और परदादा। पिताजी, दादाजी, परदादा और दादा परदादा का पिता, और उन्होंने उस पुण्य आत्मा को मिसगाइड कर दिया। अब ये प्रसंग थोड़ा सा अपने पुराणों में दिखाते हैं, मार्कंडेय पुराण ये देखिएगा। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, ये देखिएगा। प्रकाशक में मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद मनु कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 242 पृष्ठ पे संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण रुच्य मुनि की उत्पत्ति कथा। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्रह्मन, पूर्व काल की बात है, प्रजापति रुचि ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर विचरते थे। उन्हें किसी से भय नहीं था, वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के रहते थे, यानी उसने कोई आश्रम ही बना रखा था। उन्होंने सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवृत्ति से रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा, पितरों ने जो भूत बन गए थे उनने, पितर बोले, बेटा, विवाह सर्ग स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्यमय कर्म है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्यमय लोकों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को सबधा, शब्द से पितरों को तथा अन्नदान आदि से भूत आदि प्राणियों एवं अतिथियों को उनका भाग समर्पित करता है। बेटा, हम ऐसा मानते हैं कि गृहस्थ आश्रम को स्वीकार न करने पर तुम्हें इस जीवन में क्लेश पर क्लेश उठाना पड़ेगा, मृत्यु के बाद और दूसरे जन्म में भी क्लेश ही भोगने पड़ेंगे। रुचि ने कहा, पितरगण, परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है तथा उससे मनुष्य की अधोगति होती है। यही सोचकर मैंने पहले सत्री संग्रह नहीं किया। मन और इंद्रियों को नियंत्रण में रखकर जो यह आत्म संयम किया जाता है, वह भी परिग्रह करने पर मोक्ष का साधक नहीं होता। ममता रूप कीचड़ में सना हुआ होकर होने पर भी यह आत्मा जो परिग्रह शून्य चित्तवर्ती जल से प्रतिदिन धोया जाता है, वह श्रेष्ठ यत्न है। जितेंद्रिय फिर के पितर बोले, बेटा, जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित है, किंतु तुम जिस पर चल रहे हैं वह मोक्ष मार्ग है। ये नीचा चीज का मोक्ष मार्ग हो जाए, वह तो मोक्ष मार्ग है, किंतु फलाना फलाना देखो। अब यहाँ देख, पूर्व जन्म में किया हुआ मानव का शुभ अशुभ कर्म सुख और दुख में भोगों के रूप में प्रतिदिन भोगने पर ही क्षीण होता है। अब रुचि ने पूछा, देख तोड़ पा, यहाँ एक सारांश आ गया। रुचि ने पूछा, पितामहो, ये 4 भूत दिखाई देंगे उसमें, ये देखो, ये 4 भूत खड़े हैं आकाश में। अब ये इसने ठीक साधना कर रहा था, अन्यों का ही तो मोक्ष मार्ग है, अरे आप भूत बन गए, जो उस इसको भूत बनाने की तैयारी कर रहे हैं। अब रुचि ने पूछा, पितामहो, वेद में कर्म मार्ग को यानी श्राद्ध आदि निकालने को अविद्या कहा है, यानी अज्ञानता कहा है, फिर क्यों आप लोग मुझे उस मार्ग में लगाते हैं? और पितर भी कहते हैं, पितर बोले, यह सत्य है कि कर्म को यानी सरासरूद निकालने को अविद्या ही कहा गया, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं। फिर टट्टू रह गया,
और के रह गए फिर बता, और फिर मुंडाण नागरी इसने ऐसे कर ले ऐसे कर ले। अब परमात्मा कबीर जी कहा करते थे, अय है अपनात्मा जो ये कहते हैं श्राद्ध भी निकालने चाहिए, रामचंद्र जी ने अपने पूर्वजों के निकाले, वो अन्य पूर्वज उसने जी के सारे भूत बन रहे थे। अब परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि नहीं निकालना चाहिए, वेद कहते हैं ये क्रिया नहीं करनी चाहिए, जो सत साधना करेगा उनके सब पितर भी मुक्त हो जाएंगे, स्वयं भी मुक्त हो जाएगा, उसको भूत तक कोई नहीं बने। रभोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रभोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे देखो कैची नौ लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख कहीं कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। जैसे एक बुढ़िया ले जाएगी अपने पुत्र वधू ने और साथ में नवजात पौत्र को, और गुड़गांव में वाली माता पर जाते हैं या अपने किसी देई धाम पर जाते हैं, और वहाँ एक नाई बैठा होता है, और ये नकली गुरुओं ने बहका रखे होते हैं कि प्रथम बाल वहाँ माता के चढ़ाओ अपने देई धाम पर चढ़ाओ। वो बुढ़िया जाती है और कहती है भाई नाई के मेरे पोते के बाल काट दे, और वो जल्दी में होता है क्योंकि उसने बहुत घनों के काटने होते हैं, और वहाँ देई धाम पर यदि बाहर कोई सारे बाल 5 रुपया में काटता हो वो देई धाम पर 20 रुपये लिया कर 4 गुने तक कीमत लेगा, और जल्दी होती है सभी को, और वो कहते हैं बस 5-4 बाल थोड़े से काट दे मन तो चढ़ाने हैं माता को, बाकी फिर कटवा लेंगे। मोटे मोटे से वो बाल काट देता है, और क्या कहती है वो बुढ़िया ने, यूँ कहती है अरे नाई के देख भाई नाई धीरे धीरे मेरे पुत्र के मेरे बच्चे के मेरे लला के कच्चा सिर है, कच्चा सिर कहीं कच्ची कैंची ना लग जा, इसको पीड़ा ना हो जा, ध्यान से काटना बालों को। परमात्मा कहते हैं अपने बच्चे का तो कैंची लगन का भी डर, कहीं पीड़ा ना हो जा, और एक बकरी का बच्चा लेके वहां तने बलि चढ़वा दिया, रे भोड़ी सी दुनिया। अब क्या बताते हैं परमात्मा कबीर जी, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, अपने लला के बाल उतरवावे देख कैची ना लग जइया, अपने लला के बाल उतरवावे देख कैंची ना लग जइया, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब वह बुढ़िया क्या करेगी, उन बालों को लेगी हाथ में और जाकर चढ़ावेगी मंदिर में, उन बालों को वो पुजारी उठा लेगा तुरंत और एक कट्टे में गाल लेगा, कट बोरी भर लेते हुए, और उसको उठाकर शाम के समय बाहर कुरड़ियाँ पर फेंक दे, और पुजारी कौन सा उन बाड़ा ने बैंक में जमा कराओगा, उसने बाहर फेंकने शाम ने। तो परमात्मा कहते हैं अपने बच्चों के बाल कितना कटवाओ और कितना फेंको, तुम ये मंत्र जाप करो यथार्थ मंत्र, मनमाना आचरण मत करो। फिर क्या कहते हैं, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गईया, कच्चा पक्का भोजन बना के माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुते वो क्यों ना मर गईया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया, रे भोड़ी सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब ये माता दोकड़ जाते हैं, वहाँ पर एक 2-2.5 फुट ऊंचा और 1 फुट का उसका अंदर रेजिडेंस स्थान, और उसको माता का यानी इष्ट देव का वो मानते हैं पूजा स्थल,
वहाँ जाकर कच्चा पक्का भोजन पूड़े चढ़ा दिए जाते। अब बुढ़िया तो नीचे उतरा को नहीं उस स्थान पर, इतने में कुत्ते तैयार खड़े रहते हैं, वो पहले तो पूड़िया न खावें, वो माता तो चढ़ा का यह माता के भोजन ने कुत्ते खावें और उसके माता की चोटी मूत खावें। अब परमात्मा कहते उस तेरी माता ऊपर कुत्ता मूत है, उसने क्यों ना मार देती वो तुम्हारी इष्ट धाम, तुम्हारा देही धाम, अगर उसकी पूजा करने से तुम्हें कोई सुरक्षा वो दे सकता है तो कुत्ते ने क्यों ना खत्म कर देता, उसके ऊपर मूत्र उसके माल न खा गया। फिर क्या बताते हैं, जीवित बाप के लठम लठा ये मुवे गंग पुचैया। भाई जीवित बाप के लठम लठा ये मुवे गंग पुचैया, जब आवे आसोज का महीना वो कौवा बाप बनैया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया रे भोड़ी सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपनात्मा कहते हैं पिताजी जब जीवित है उस समय तो उसको उसकी सेवा करते नहीं, अब मृत्यु के उपरांत उसके स्वाहा कर दिया, अंतिम संस्कार कर दिया, फिर उसकी अस्थियां उठा कर और गंगा में जल प्रवाह करा गाऊंगी। अब परमात्मा कहते हैं जीवित बाप गेल तो लठम लठा और मरे पाचन्यों के पिताजी की गति करा गावांगे गंगा में। अब देखो ये गति कहाँ से कराने लगे थे, कहते हैं अस्थियां उठाओ तेरे पिताजी की गति करा काओ गंगा में डाल दिए चलो। फिर कहते हैं तुम्हारा पिताजी की तेरमी करो गति कराने के लिए, और पहले तो खाड़ा था आए महीना है महीना बनाओ, फिर बरसो दी यानी एक साल के बाद फिर क्या बनाओ गति कराने के लिए अनुष्ठान करवाते थे। और फिर क्या कहते हैं तुम्हारा पिताजी पितर बन गया, अब उसके श्राद्ध निकालो, भूत बन गया श्राद्ध निकालो, और आसोज के महीने में जिस भी तिथि को मरा है उस तिथि को अवश्य इन नकलियों को बुलाओ और उसका पेट भरो। और वो क्या करता था, भोजन उठा करके छत पर रख देता था कि देखो अब कौवा भोजन खाएगा, कौवा आ गया भोजन खा गया, कहने लगे तेरा पिताजी कौवा बन गया, उसको भोग लगा हुआ, देख कौवा बन गया। अरे थरा गजब हो, गति कराने लगे थे कौवा बना के छोड़ दिया, कहाँ से गति कराने लगे थे उसकी और कौवा बना के छोड़ दिया। परमात्मा कहते हैं रे भोली सी दुनिया, सतगुरु बिन कैसे सरिया, जीवित बाप के लठम लठा मुवे गंग पुचैया, और जब आवे आसोज का महीना फिर वो कौवा बाप बनैया, यो तुम्हारा बाप कौवा बन गया, देखो भोजन इसको भोग लग गया कौवा खा गया, नो मूर्ख बना रखे हम इन नालायका ने, जिन्हें कह खेगा नहीं पता भक्ति मार्ग का, ये सब भूत पूज के पुजवा के भूत बना दिए। अब परमात्मा क्या बताते हैं, ये सौदा फिर नाही संतो ये सौदा फिर नाही, लोहे के साताब जात है काया दे सराही, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, दुगने तिगने करे चौगने किन्हो मूल गवाही। अब फिर क्या बताते हैं के कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरघट को ले जाई, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाही, पुराण उठा के पंडित आए पीछे गुरुड पढ़ाई, नरसे तीतू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहा मन बोरे की तो कुरड़ी चुरने जाई, प्रेत सिला पैजा पराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए फिर काग भये कल माही। अब कहते हैं गुरुड़ पुराण का पाठ कराते हैं उस व्यक्ति की मृत्यु के बाद, परमात्मा कहते तुम पहले कराओ उसने गुरुड़ का पाठ। अब गुरुड़ पुराण के अंदर बहुत विस्तार से लिखा है कि मृत्यु के उपरांत जिसने जैसा कर्म किया उसको ऐसा फल मिलता है, अरे उसको ले जाते हैं यम के दूत बांध कर, जिसने पुण्य नहीं किए पाप किए हैं तो उसको खाना नहीं देते आहार नहीं देते, नंगे पैरों ले जाते हैं, किसी ने ऐसा जुल्म किया उसकी आंखें फूट जाती हैं, कोई ऐसा पाप करता है तो उसका लड़का मर जाता है,
तो परमात्मा कहते हैं मरने के बाद गरुड़ पुराण पढ़ा रहे हो, उसको पहले पढ़ाना चाहिए था गरुड़ पुराण, ताकि वो पापों से बचता, बुराई ना करता, धर्म पुण्य करके अपना कल्याण करवा जाता। पुराण बांध फिर पंडित आए, पीछे गरुड़ पढ़ाई, और फिर कहते हैं नरसेति तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये छप्पन भोग कहा मन बोड़े की कुरड़ी चढ़ने चाहिए। प्रेत शिला पे जा बिराजे पितरों पिंड भराई, पिंड भरवा दिए। अनुगे फिर बहुत श्राद्ध खान को आगे वो काग बन गए कलमा ही, ये कलयुग में फिर इस संसार में कौवे बन गए। अब क्या बताते हैं, जय सतगुरु की संगत करते सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। यदि परम संत की शरण में आ जाते तो ये सभी कर्म कट जाते, किसी की जरूरत नहीं थी ना श्राद्ध करण की ना कित, और सभी कर्म पूर्ण परमात्मा ही काट सकता है, ये श्री कृष्ण जी नहीं काट सकते। और सकल कर्म कट जाई अमरपुरी, यानी पर उस सनातन परम धाम को चले जाते जहां कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार परमात्मा के तत्व ज्ञान से आप इस अध्यात्म ज्ञान को समझें और अपना कल्याण करवाएं।